देख रहे खबर पर नजर और आई आज की कुछ बड़ी खबरों पर नजर। क्रिकेट के मैच में 100 रन बनने पर जितनी खुशी होती है, वैसे ही भगवान के शासन में 20 साल तक संयम पर्याय पाल लेने वाले व्यक्ति को उतनी खुशी होती है। संयम पर्याय 20 साल ज्ञान हो जाए तो श्रुति स्थवी और 60 साल की उम्र हो जाए तो वह स्थवी कहलाते हैं। ऐसे ही आज 20 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इस अवसर पर आज दसवीं है 10 महासती जी और 12 संत सहित हैं और इस अवसर पर कई लोगों ने विहार की और अभिग्रह की प्रशंसा की, किसी ने भी जो है राजेश मुनि की प्रशंसा नहीं की। अर्थात जो व्यक्ति भगवान के शासन के अनुसार चलेगा उस व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा होगी, व्यक्ति की प्रशंसा नहीं होगी। जिस घोड़े की लगाम अपने हाथ में नहीं हो वह उस घोड़े की कभी सवारी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही शासन, जिन शासन की लगाम संत सतियों के हाथ में होती है और वो उस ढंग से संघ और समाज को चलाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ का कारण हो जाता है। कई लोग गलत फहमी में जी रहे हैं और गलत फहमी में जीने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से भटका हुआ व्यक्ति है। यदि आपको आगे बढ़ना है तो अपने आप को जितना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाओगे और उतना आगे बढ़ोगे और जितना समझदार होशियार बताओगे उतना लोग आपका मिसयूज करेंगे, विरोध करेंगे। गलतियों को सुंदर ढंग से स्वीकार करने का आप भाव रखते हैं। दीक्षा भगवान महावीर स्वामी ने भी ली, जिनेश्वर ने भी ली और दीक्षा बिना मोक्ष होता नहीं है। भरत महाराजा ने भी अरिसा भवन में केवल ज्ञान होने के बाद दीक्षा को ग्रहण किया और दीक्षा लेने के बाद मन को स्थिर करना बड़ा कठिन काम है। 4 मिनट 22 सेकंड भी यदि मन स्थिर रह जाए तो केवल ज्ञान हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी को भी 12.5 साल तक 12.5 वर्ष तक साधना करनी पड़ी तब जाकर मन स्थिर हुआ। आज के इस अवसर पर जितने भी संत सतियों ने, श्रावक श्राविकों ने एकासन की आराधना की, ये गिफ्ट भेंट की। साथ ही राजकुमार जी पंजाबी ने आयोजन किया, सुभाष जी विनायिका ने इसका संचालन किया, महासतियों ने अधिकांश मेरे गुणग्राम किए। और ये मेरे गुणग्राम नहीं, ये तो जिन शासन के गुणग्राम है और जिन शासन की प्रभावना है। ऐसी ही शक्ति आगे भी मुझे मिलती रहे और मैं स्व पर कल्याण करता रहूं, ऐसी शुभ भावना और शुभ कामना करता हूँ। महाराज साहब जी, आप ये बताइए कि 20 साल की आपकी दीक्षा के उसमें पूर्ण हुए तो आपको क्या लगता है, क्या पाया और क्या खोया आपने इस 20 साल में? लगातार मेहनत करते रहे, संघ समाज का भला करते रहे तो 20 साल ऐसे निकले जैसे आज ही रिक्शा ली हो और आज ही 20 साल पूरे हो गए हों। संयम में मन रमा रहे तो समय आसानी से कटता है और संयम में मन नहीं रमे तो फिर जीवन दुर्लभ हो जाता है। और इसमें संघ समाज का सहयोग जरूरी है, संघ समाज के साथ चलना जरूरी होता है और कई तरह के उतार चढ़ाव देखने के बाद भी संकट आते हुए भी संयम पर्याय बराबर आगे बढ़ रही है। पर संकट हमारे जीवन में ऐसे भी नहीं आए कि भगवान महावीर के कानों में खिले ठोके, गज सुकमाल के सिर पे अंगारे रखे और खंडक ऋषि की चमड़ी उधेड़ दी, ऐसे संकट भी हमको नहीं आए। गांधी जी और नेल्सन मंडेला जैसे संघर्ष भी नहीं आए जिनको कई बार जेल में जाना पड़ा, और यीशु के समान भी हमको नहीं संकट आए कि उनको खिले से तख्ते पर लटका दिया गया। सामान्य दुख सुख आते रहते हैं पर उन दुख सुखों को साधक नज़रअंदाज कर दे तो 20 साल तो क्या 200 साल भी झटके में निकल सकते हैं। और आपके परिग्रह में इतने सालों में ऐसा कोई ऐसा परिग्रह आया जिसमें आपको एक 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 क्षण के लिए भी लगा कि ये परिग्रह अभिग्रह अभिग्रह योग से फलते हैं। दाता का दानांतराय और हमारा लाभांतराय कर्म क्षय होता है तो अभिग्रह फलते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने भी किया, 5 महीने 25 दिन में फला और मैं भी कर रहा हूँ। भगवान की आज्ञा भगवान ने किया तो अभिग्रह करते हुए कभी भी मन में हीन भावना नहीं आती है। दिन प्रतिदिन ऐसा लगता है कि मेरी साधना से 10 गुना कर्म कट रहे हैं तो निश्चित रूप से मिली हुई शक्ति का उपयोग इस तपस्या में करें और उत्साहपूर्वक
15 साल पूर्ण हो चुके हैं अभी तरह करते करते, फिर भी उत्साह मंद नहीं हुआ कि आगे बढ़ते जा रहा है। आपकी दीक्षा कहाँ पर हुई और किस उम्र में हुई थी? मेरी दीक्षा बढ़वा में हुई, जिस समय मेरी उम्र 27 वर्ष की थी। वहाँ पर 8 दीक्षाएँ पूर्व से घोषित थी और मैं वहाँ पर बिना किसी घोषणा के तुरंत खड़ा हो गया और आचार्य भगवत उमेश गुरुदेव और कानमुनि जी ने मुझे दीक्षित कर दिया। आप हमारे दर्शकों को, जो भी देखने वाले हैं दर्शक हैं, उनको लिए कुछ ऐसा दो अनमोल वचन बताएं जिसमें कम से कम वो भी इस वाणी को सुनकर उनको भी कुछ लगे कि जीवन में कुछ हमें अच्छे काम जो नहीं कर सके वो कर लेना चाहिए। जीवन में जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, इस फार्मूले को अपनाना चाहिए। भूतकाल की भूलों को भूल जाएं और भविष्य की चिंता न करें। साथ ही साथ यदि आपके अंदर 100 अवगुण भी है और एक गुण पैदा हो गया तो 100 अवगुण लोग भूल जाएंगे। यदि आपके अंदर 100 गुण हैं और एक भी अवगुण पैदा हो गया तो लोग 100 गुण भूल जाएंगे। जैसे आपके समाज में इज्जत नहीं है, सब लोग निंदा कर रहे हैं और आप अमेरिका लंदन जाके 1-2 करोड़ रुपये कमा के ले आए और 5-10 लाख रुपये आपने समाज को दान कर दिए, तो वही समाज वाले जो पहले निंदा करते थे वापस प्रशंसा करने लग जाते हैं। यदि आपके अंदर 100 गुण हैं और एक दिन आपने किसी को झापड़ मार दिया, शराब पी ली या किसी महिला का हाथ पकड़ लिया, तो वो 100 गुण होने के बाद भी लोग आप पर थू थू करने लग जाएंगे। इसलिए जीवन में घबराना नहीं, धैर्य रखना, धैर्य और प्रतिष्ठा से सारे काम संपन्न हो जाते हैं। और जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या नहीं है और जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। काम करना हो तो कारण बहुत है, काम नहीं करना हो तो बहाने भी बहुत होते हैं। आपके जीवन का कोई ऐसा लक्ष्य? साधु बनने का लक्ष्य ही होता है मोक्ष की प्राप्ति, और जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक साधना करना, साधना से मन भटक रहा हो उस समय पर कल्याण करना, और पर कल्याण करते हुए उसमें आसक्त तो नहीं होना, उसमें मान सम्मान की इच्छा नहीं रखना, तो निश्चित रूप से वापस स्व कल्याण करते हुए जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। महाराज साहब जी, आपका नाम और आप पूरा विस्तार से बता सकते? नाम राजेश मुनि नाम से कहा जाता है, दीक्षा के पहले यही नाम था, दीक्षा के बाद यही नाम रखा गया। जैन और पूज्य माताजी श्रीमती रतन देवी जैन, उनके स्मरण
भक्ति में आज का ये आयोजन हमने रखा और पूज्य साधु संतों के हमें आशीर्वाद मिले और सामूहिक एकाश ने करीब 400 के आसपास यहाँ आज हुए हैं, उसका लाभ हमें प्राप्त हुआ। आपका श्रीमान बताए बाबू, अपने को बोल लेंगे आपको ये धर्म लाभ में कैसा आनंद आता है भाई? एकाश्रय हुए 400 करीब, उसका धर्म लाभ राजेश कुमार जी, राजकुमार जी पंजाबी परिवार की ओर से। आप यहाँ के ट्रस्टी हैं? आप यहाँ के बताइए, आपका नाम बताए? ट्रस्टी हैं यहाँ के। अच्छा, और यहाँ पर अभी कोरोना काल में भी काफ़ी सारी सेवा दी गई, इसमें क्या था विशेष सेवा दी गई? तो कोरोना काल में जो समाज द्वारा सेवाएं दी गई, बहुत ही सेवाएं अनुकरणीय थी, सराहनीय थी, उन लोगों को भी हमने बहुत बहुत मतलब धन्यवाद दिया। संघ के लोगों का नाच था और आज का जो ये कार्यक्रम है राजेश मुनि जी की दीक्षा जयंती पर और हमारे राजकुमार जी जैन की माता जी की पुण्यतिथि पर आज एकात्मा दिवस रखा गया है। क्या आयोजन था महूर भवन में और आपने अपने सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हो महाराज साहब को क्या कुछ बताया? आज महूर भवन में सराक्षण ट्रस्ट के अंतर्गत भव्य आयोजन हुआ, उसके अंदर सबसे पहले नौका मंदिर के जाप हुए, उसके बाद में ये कार्यक्रम चल रहा है गाने का जो हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी राजकुमार जी जैन हरपी जी जैन परिवार की ओर से उनके माता पिता की स्मृति में ये कार्य कराए जा रहे हैं। जब भी और राजेश मुनि जी महाराज साहब जो तपस्वी हैं, घोर तपस्वी हैं, अभिज्ञधारी हैं, उनका 20वां दीक्षा दिवस हमने मनाया आज, 21वां दीक्षा दिवस उनका शुरू हुआ है। विशेषकर पूज्य महास्मृति जी महाराज साहब और मुक्ति महाराज इंदौर में आते हैं, वे राजकुमार जी अर्पित जी पंजाबी परिवार उनके लिए विशेष आयोजन अवश्य करते हैं। ये गुरु भक्त हैं और विशेष करके एक पारिवारिक रिश्ता महाराज साहब से आप रखते हैं। आज का आयोजन राजकुमार जी पंजाबी सभा ट्रस्ट की ओर से, हम सब की ओर से भाई राजकुमार जी अर्पित जी परिवार को बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं, साधुवाद देते हैं। उन्होंने इतना सुंदर आयोजन आज आयोजित किया। आपका नाम और आपका? प्रकाश जैन भटेवरा, सर्वक्षण ट्रस्ट ट्रस्टी और चतुर्थ संयोजक। क्या आपको या आपके परिवार में किसी को कम सुनाई देता है तो आज ही लगाएं नई टेक्नोलॉजी वाली कान की मशीन मात्र 1600 रुपए में। जी हाँ, आपने सही सुना, कान की मशीन 1600 रुपए में। अभी ऑर्डर करें कान की मशीन। क्या आपको आपके परिवार में किसी को बवासीर, भगंदर, मसी की समस्या है? जलन व दस्त से मुक्ति पाने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें और आज और अभी कॉल करें। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।